युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में निकाली गई शहर में बाइक रैली। युवा मोर्चा ने दिखाई ताकत, काफी संख्या में कार्यकर्ता हुए इकट्ठा। पार्टी कार्यालय में युवा मोर्चा के पंचायत संयोजक सम्मेलन में शामिल होने रीवा पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान एवं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे रीवा पहुंचे। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा युवा संकल्प अभियान के तहत युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे की अगुवाई में रतहरा बाईपास से बाइक रैली निकाली गई, जो शहर के सिरमौर चौराहे, अमहिया, स्वागत भवन, शिल्पी प्लाजा, पुराने बस स्टैंड से होते हुए भाजपा कार्यालय में समाप्त हुई। इस रैली में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में मौजूद रहे और काफिला काफ़ी लंबा नजर आ रहा था। रैली के माध्यम से युवा मोर्चा ने अपनी ताकत दिखाई। इसके बाद भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे सहित पार्टी के पदाधिकारी अटल कुंज में आयोजित पंचायत संयोजक कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। बहुजन समाज पार्टी ने जिले की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। बहुजन समाज पार्टी ने रीवा जिले की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। सगरा में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व गुढ़ प्रत्याशी के वाहन में तोड़फोड़ और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल पर नाराजगी जताते हुए कार्यवाही की मांग की है। साथ ही सिमरिया में हुई घटनाओं पर चिंता प्रकट करते हुए पूरे जिले में अवैध शराब, हत्या, लूट जैसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। रीवा में बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ इकट्ठा हुए हैं। कल गुड़ विधानसभा क्षेत्र में हमारे विधानसभा के प्रत्याशी मुनिराज पटेल की बैठक लिए हुए थे, जहां पर असामाजिक तत्व लोगों ने उनके साथ अभद्रता की और गाली गलौज की, उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की, गाड़ी भी तोड़फोड़ की और जाति सूचक अशब्द गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। उसकी कानून की बिगड़ी व्यवस्था को लेकर आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के झंडे का अपमान भी किया, वहाँ पर कुचला भी गया। अगर ऐसी कानून व्यवस्था चलेगी तो पूरे जिले संभाग का बहुजन समाज पार्टी आने वाले दिनों में सड़क इस कानून व्यवस्था की बिगड़ी व्यवस्था में और जमकर लड़ाई लड़ेगा। तो हम लोग वहाँ गए हुए थे, एक हमारे रमेश साकेत जी हैं, उनके यहाँ बच्चे की तिलक थी। उसके बाद हम लोग पहले पहुँच गए, हम सोचे कि हम लोग गांव में भ्रमण करने गए, तो हमारे सरपंच है कुशवाहा जी, उनके यहाँ हम लोग बैठे थे, क्योंकि उनके घर जाने के लिए रास्ता नहीं था। फोर व्हीलर पहले गाड़ी अपनी पार्क करवा दी, हमारे ड्राइवर ने वहाँ गाड़ी पार्क कर दी, हम लोग वहाँ बैठे थे कुशवाहा जी के यहाँ। जैसे हम लोग 5 मिनट वहाँ बैठे थे, उसके बाद वहाँ कुछ असामाजिक तत्व 4-6 लड़के आए और गाली गलौज करने लगे।